नमस्कार, मुकनायक इंडिया टीवी से मैं भास्कर सूर्य। दोस्तों, इसके पहले 2024 के इलेक्शन के पहले संविधान बदलने की बात हो रही है और बहुत बड़े जोर शोर से संविधान बदलने की बात हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई मंत्री और कई ऐसे बीजेपी के लोग संविधान बदलने की भाषा कर रहे थे और यहाँ तक के कि उन्हें ये विश्वास था कि 2024 के इलेक्शन अगर से होते हैं और 300 या 400 पार अगर से बीजेपी के उम्मीदवार चले जाते हैं, बीजेपी कैंडिडेट खुल कर आते हैं, तो संविधान बदलने का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा और संविधान बदला जाएगा, इस देश का संविधान बदला जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा फैक्टर चला इस देश में इलेक्शन के समय कांग्रेस और गठबंधन ने जो फैक्टर चलाया कि इस देश का संविधान खतरे में, उसी को लेकर संविधान खतरे में है। ये जो फैक्टर जो चलाया उससे इस देश की जनता जागरूक हो गई और ये जो संविधान बदलने वाले लोग, इन्हें बहुत बड़ी चपराक लगी है और उन्होंने उनको सबक सिखाया है। जो ये सपना देख रहे थे 300 या 400 पार का, वो सपना उनका चकनाचूर कर दिया जनता और ये बता दिया कि यह असंभव है संविधान बदलना, इस देश का संविधान बदलना असंभव है। और ये अभी जो है, अभी बीजेपी को इतना मुश्किल हो गया सरकार बनाना कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लिए बगैर, उनको लिए बगैर ये अभी उनका जो सरकार बनाने का सपना असंभव था। तो उन दोनों को नरेंद्र मोदी ने लिया और अभी वो सरकार बनाने जा रहे हैं, आज शपथ भी दी है। तो ये दो लोग कैसे टिक पाएंगे, ये क्योंकि ये दो लोग हमेशा बदलने वाले लोग हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। ये इस देश की जनता जानती है कि ये लोग हमेशा बदलने वाले हैं और ये कोई टिकने वाली नहीं है, ये दोनों भी टिकने वाले नहीं। दोनों के विचार जो है वो परस्पर विरोधी है, विचार है दोनों। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। तो ये सरकार अभी बैसाखी पर चल रही है और कितने दिनों तक चलेगी ये कोई नहीं जानता। तो बहुत जल्दी में इस देश के मध्यावधि चुनाव भी होने जा रहे हैं, इसी को लेकर ये बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि क्या ये सरकार कितने दिन तक चलेगी, बैसाखी वाली सरकार, क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू या ये सरकार चलने देंगे या फिर उनको किसी मुसीबत में लाकर खड़ा कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।